हाय एवरीवन सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जोन uh, प्लेट okay, हिंदी में भी इसको यही कहेंगे जोन पट्टी का जोन प्लेट का यहाँ पे ये यह जो कंस्ट्रक्शन बना है ये मैं थोड़ी देर बाद में समझाती हूँ पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं जोन प्लेट में क्या होगा हमने फ्रेनल के हाफ पीरियड जोन के बारे में पढ़ा है और हमने देखा है कि अगर हमारे पास आ, मान लीजिए जो भी लाइट आ रही है उसको हम आ, फ्रेनल के हाफ पीरियड जोन में डिवाइड कर देते हैं और हाफ पीरियड जोन में डिवाइड करने के बाद हमने ये भी देखा था कि जो लाइट वहां पे पहुंचती है मतलब इस तरह से अगर हाफ पीरियड जोन है ये फर्स्ट आ, हाफ पीरियड जोन हो गया या आपके पास सेकंड हो गया या आपके पास थर्ड हो गया या फर्स्ट फोर्थ हो गया हमने अभी तक देखा था कि यहाँ से जो लाइट जाएगी और उसके अगले जोन से जो लाइट जाएगी इन दोनों में पाथ डिफरेंस कितने का होगा लेमडा बाई टू का होगा और लेमडा बाय टू का पाथ डिफरेंस होने की वजह से क्या होता है यहाँ से कोई लाइट पहुंची और यहाँ से कोई लाइट पहुंची तो उन दोनों का फेस बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है तो सपोज इसका एम्पलीट्यूड ई नोट वन है और उसके जस्ट आगे वाले का ई नोट टू है तो बीच में नेगेटिव साइन आ जाता है जो कि पहले वाले एम्पलीट्यूड को घटा देता है किसी भी पॉइंट पर और अगर वो उसका एम्पलीट्यूड घटा देगा तो जाहिर सी बात है उसकी इंटेंसिटी घट गई अगर हमें इंटेंसिटी नहीं घटानी है तो किसी रीजन से मान लीजिए आप पहले वाले की लाइट ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक पहुंच पा रही है और सेकंड वाली लाइट को ब्लॉक कर दिया जाए और फिर थर्ड वाले की लाइट पहुंची जाए फोर्थ वाले को ब्लॉक कर दिया जाए और फिफ्थ वाले की लाइट वहां पर पहुंची जाए तो उससे होगा क्या कि फर्स्ट कट हाफ पीरियड जोन थर्ड हाफ पीरियड जोन और फिफ्थ हाफ पीरियड जोन जो है उनसे तो लाइट पहुंच रही है सेकेंड वाले से नहीं पहुंच रही है सेकेंड वाले को हमने ब्लॉक कर दिया है फोर्थ वाले को भी हमने ब्लॉक कर दिया है तो इससे होगा क्या ई जीरो वन वहां पर पहुंचेगा टू वाला पहुंचा ही नहीं है लाइट ही नहीं पहुंची तो वो जीरो हो गया और ई नोट थ्री वाला हम जानते हैं पॉजिटिव फेज के साथ पहुंचेगा फिर ई नोट फोर नेगेटिव होता है लेकिन हमने उसको जीरो कर दिया है और ई नोट फाइव वहां से पहुंच जाएगा तो जो हमें ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे इंटेंसिटी मिलेगी वो कितनी होगी ई जी एम्पलीट्यूड कितना होगा ई जीरो वन ई जीरो थ्री ई जीरो फाइव और सारे के सारे पॉजिटिव साइन के साथ है मतलब सारे के सारे सेम फेज में पहुंच रहे हैं यह बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि सेम फेज में क्यों पहुंच रहे हैं क्योंकि जो लेमडा बाई टू का पाथ डिफरेंस होता है वो फेज ऑपोजिट करता है लेकिन अगर लेमडा का पाथ डिफरेंस होता है तो वो ऑपोजिट नहीं करता तो यहाँ एन लेमडा का हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट और थर्ड के बीच में कितने का हो जाएगा लेमडा का हो जाएगा वाई फर्स्ट और सेकेंड के बीच में लेमडा बाई टू का सेकेंड और थर्ड के बीच में लेमडा बाई टू का तो फर्स्ट और थर्ड का देखोगे तो कितना हो जाएगा लेमडा और ये इसकी वजह से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है डिस्ट्रक्टिव नहीं होता है तो इस वजह से आपको इंटेंसिटी बहुत बड़ी भी मिलेगी उल्टा भी कर सकते हैं हम वन थ्री फाइव को अगर ब्लॉक कर दें और सेकेंड और फोर्थ को और सिक्स को पहुंचने दें तो सारे के सारे आपके पास कितने हो जाएंगे भले ही नेगेटिव साइन में जा रहे थे लेकिन आप कंपैरिजन किससे करोगे आप माइनस क्यों लोगे आप माइनस इसलिए ले रहे थे क्योंकि आपने कहा था कि पहले वाला पॉजिटिव होना चाहिए फिर दूसरे वाला पहुंचेगा फिर तीसरे वाला पॉजिटिव फिर फोर्थ वाला नेगेटिव लेकिन आपकी शुरुआत ही कहाँ से हो रही है आपने पहला वाला ही ब्लॉक कर दिया राइट पहला तीसरा पांचवा हम ब्लॉक कर रहे हैं सेकेंड और फोर्थ से पहुंचा रहे हैं लाइट को तो आपकी शुरुआत ही कहां से हो रही है सो so, ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ओवरऑल नेगेटिव साइन हो लेकिन जो जिस जिस साइन के साथ ई नॉट टू जाएगा उसी साइन के साथ आपका क्या जाएगा ई नॉट फोर जाएगा तो अगर आपको माइनस में लेना है तो आप ये कर सकते हैं ठीक है इसमें क्या होगा मैंने सारे के सारे जो है वो माइनस साइन के साथ ही पहुंचे स्टिल आप जानते हो इंटेंसिटी क्या होती है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है सो तो ये माइनस तो हट जाएगा जब आप इंटेंसिटी निकालेंगे राइट तो आपके पास इंटेंसिटी पॉजिटिव में ही पहुंचेगी और सारे के सारे टर्म एड हो रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं या तो आप ऑड नंबर वाले जो हाफ पीरियड जोनस है उनसे लाइट पहुंचने दो और इवन नंबर वाले जो हाफ पीरियड जोनस है उनसे पहुंचने वाली लाइट को ब्लॉक कर दो या फिर आप इवन नंबर वाले को ब्लॉक कर दो और ऑड वाली को पहुंचने दो सो so, इस बेसिस पे जो, जो जोन प्लेट्स होती है वो दो टाइप की होती है तो so, सबसे पहले आपको देख लेते हैं इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है फिर आते हैं टू टाइप्स पे तो so, इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो आपको एग्जाम में कई बार पूछा जाता है मतलब इसकी जो रचना है वो कैसे की जाती है तो so, देखो कंस्ट्रक्शन में आपको क्या करना है सबसे पहले आपको एक का पेपर लेना है कागज ठीक है और उसका आपको क्या करना है उस कागज पे आपको सर्कल्स ड्रॉ करने हैं बहुत सारे आपको उसके ऊपर सर्कल्स ड्रॉ करने हैं लेकिन वो सर्कल्स जो है वो इस तरह से होने चाहिए मतलब उनकी जो रेडियस है जैसे पहले सर्कल की रेडियस ये सेकेंड सर्कल की रेडियस ये थर्ड सर्कल की रेडियस ये फोर्थ सर्कल की रेडियस ये फाइव फिफ्थ सर्कल की रेडियस इसकी जो रेडियस है वो आपको ध्यान रखनी है दैट शुड बी प्रोपोर्शनल टू मतलब एन आर जो है वो आपके पास होना चाहिए आर रूट एन क्यों क्योंकि हमने फेनल के हाफ पीरियड जोन में ये कंडीशन देखी थी कि जो रेडियस होती है एनथ हाफ पीरियड जोन की वो उसी नंबर के रूट के प्रपोर्शनल आती है तो अगर फर्स्ट हाफ पीरियड जोन की आपने रेडियस आर रखी है तो आपका सेकेंड वाले की रेडियस कितनी होनी चाहिए रूट टू आर होनी चाहिए थर्ड आपके पास कितनी होनी चाहिए रूट थ्री आर होनी चाहिए एंड सोन सो आप कागज पे सबसे पहले एक पैटर्न बनाएंगे ये मैंने बना ली सर्कल और मैंने आपको बता दिया है कि सर्कल बनाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि उसकी जो रेडियस है वो रूट एन के प्रपोशनल होनी चाहिए उसके बाद आपको क्या करना है ये जो कागज है आप ब्लैक कलर का पेंट लीजिए ठीक है या ब्लैक कलर ले लीजिए सिंपल सा सो so, आपको ब्लैक कलर का पेंट करना है और वो पेंट कैसे करना है अल्टरनेट नंबर वालों को ब्लैक कर दो अब आपके पास दो ऑप्शन ये ले लेती हूँ सर्कल को पेंट कर दिया ये मैं रेड कर रही हूँ तो मैं ब्लैक ले लेती हूँ ऑप्शन है इसको मैंने ब्लैक कर दिया पहले वाले को तो ऑब्वियसली तो मुझे पहले वाले को ब्लॉक कर दिया तो मुझे सेकंड वाला छोड़ना पड़ेगा और फिर मैंने थर्ड वाले को ब्लैक कर दिया इसके बाद वाले को ब्लैक कर दिया ये देखिए उसके बाद इसको छोड़ दो इसको ब्लैक कर दो इसको मैंने ब्लैक कर दिया ठीक है ये मैंने शेडेड कर दिया आपको उसको पूरा ब्लैक करना है और ये सिर्फ अभी तक हम किसके ऊपर कर रहे हैं पेपर के ऊपर कर रहे हैं अब आप क्या लेंगे एक प्लेन कांच की प्लेट लेंगे ठीक है एक प्लेन ग्लास प्लेट सर्कुलर शेप की या कैसी भी ले लीजिए बाद में उसको काट लेंगे अब हम क्या करेंगे ग्लास की प्लेट हमने ले ली है और अब हम ये जो प्लेट है इसके ऊपर इस पैटर्न का रिड्यूस्ड फोटोग्राफ ले लेंगे जिस तरह से वो फोटोग्राफ लिया जाता है उस तरह से हम इसका रिड्यूस यही पैटर्न जो है इस पैटर्न का फोटोग्राफ हम इस ग्लास की प्लेट के ऊपर ले लेंगे ये आपकी जो ग्लास की प्लेट बनकर तैयार हुई है ये आपकी कहलाएगी जोन प्लेट ओके अब ये जो जोन प्लेट है ये दो टाइप की होती है और अब यहाँ पर आप ये डायग्राम देखिए दोनों ए और बी सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेकेंड वाले का ये सेकेंड वाला डायग्राम हम डिस्कस करेंगे तो आपको इसमें जो डेफिनेशन आप बुक में पढ़ेंगे उसमें आपको बहुत ही ज्यादा कन्फ्यूजन होगा सो मैं आपका वो कन्फ्यूजन अभी से क्लियर कर देती हूं कि आपके पास ये वाली है पॉजिटिव जोन प्लेट इसे हम कहेंगे पॉजिटिव जोन प्लेट ओके और इसे हम कहेंगे नेगेटिव जोन प्लेट अब ये किस तरह से हुआ वो समझ जाइए सबसे पहले पॉजिटिव जोन प्लेट की डेफिनेशन देखते हैं ओके इसमें ये कहा गया है कि इसमें वन थ्री फाइव वाले रिंग एलिमेंट को वाले रिंग एलिमेंट को ठीक है रिंग एलिमेंट को इसके अंदर क्या करते हैं ब्लैक पेंट कर दिया जाता है ब्लैक पेंट किसको किया है फर्स्ट रिंग एलिमेंट सेकेंड रिंग एलिमेंट अब आप समझेंगे कि देखो आपको ऐसा लग रहा होगा कि फर्स्ट वाला तो ट्रांसपेरेंट दिख रहा है येलो वाला पार्ट जो है वो एक तरह से ब्लैक पेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये इसमें क्या बोला गया है कि फर्स्ट रिंग एलिमेंट रिंग कैसे बनती है जब आप सिंपल से एक लाइन खींचते हो तो ये रिंग नहीं बनी है रिंग का मतलब होता है ये कंप्लीट उसकी कुछ थिकनेस होनी चाहिए रिंग की तो ये हमने दो सर्कल ड्रॉ किए हैं तब आपकी एक रिंग बनी है तो ये आपकी फर्स्ट रिंग हो जाएगी इसको ब्लैक करना है आपको ओके फर्स्ट रिंग को आपको ब्लैक करना है तो आप देख सकते हैं यहां पर सेकेंड वाली पिक्चर में मतलब इस पिक्चर में ये फर्स्ट रिंग है ये मैं लिख लेती हूं यहाँ पे ये फर्स्ट रिंग है आपकी ओके okay? सो so, पे फर्स्ट रिंग हो गई अब इसके ऊपर वाली जो व्हाइट कलर की रिंग है वो सेकंड रिंग है ये सेकंड रिंग है लेकिन इसको इन्होंने ब्लैक नहीं किया है ये थर्ड नंबर की रिंग है देखिए थर्ड को इसको फिर ये फोर्थ को खाली छोड़ा है ये फिफ्थ नंबर की रिंग है फिर ये सेवंथ है तो ब्लैक किसको किया है फर्स्ट थर्ड फिफ्थ रिंग एलिमेंट को ब्लैक पेंट किया है ट्रांसपेरेंट इसकी वजह से कौन से फ्रेनेल हाफ पीरियड जोन होंगे ध्यान रखना ट्रांसपेरेंट ये तो ब्लैक कर दिया हमने फर्स्ट थर्ड इस वजह से को जिसकी वजह से अब ध्यान रखना कौन से ट्रांसपेरेंट होंगे ट्रांसपेरेंट भी होगा फर्स्ट हाफ पीरियड जोन थर्ड हाफ पीरियड जोन और देखो रिंग एलिमेंट भी हमने पहला तीसरा पांचवा किया है ब्लैक लेकिन ट्रांसपेरेंट भी कौन से पीरियड जोन होंगे फर्स्ट थर्ड फिफ्थ कैसे हमारा जो फर्स्ट होता है ये मैं रेड से लिख देती हूँ ये आपका फर्स्ट हाफ पीरियड जोन है इसलिए ये क्या है ट्रांसपेरेंट है देखिए उसके बाद ये सेकेंड वाला तो ब्लैक हो गया ये थर्ड ये फर्स्ट हो गया ये आपका थर्ड नंबर वाला ट्रांसपेरेंट ये आपका फिफ्थ नंबर वाला ट्रांसपेरेंट ये आपका सेवंथ वाला तो रिंग बनाते टाइम पे मैंने अलग तरह से कैलकुलेशन करी है और ट्रांसपेरेंसी शो करने के लिए मैंने अलग तरह से कैलकुलेशन करी है सो बुक में जब आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो मैं बुक की डेफिनेशन एक बार रीड कर देती हूँ सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो सो पॉजिटिव जोन प्लेट में हम फर्स्ट थर्ड फिफ्थ यानी नंबर वाले रिंग एलिमेंट को ब्लैक पेंट करके ग्लास की प्लेट पर उसका फोटोग्राफ ले लेते हैं जिससे ये जो ऑड नंबर वाले आ, हाफ पीरियड जोन है ये ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं हमारे पास ओके ये आपके पास ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे और सेकेंड फोर्थ सिक्स और एट्थ इस नंबर वाले जो इवन नंबर वाले हाफ पीरियड ज़ोन्स होंगे वो ब्लॉक हो जाएंगे यानी कि वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहेंगे सो so, हमारे पास इस कंडीशन में क्या हो जाएगा uh, कौन सी लाइट पहुंचेगी आपके पास फर्स्ट हाफ पीरियड ज़ोन की लाइट पहुंचेगी थर्ड वाली पहुंचेगी फिफ्थ अब इसका ऑपोजिट आपको नेगेटिव ज़ोन प्लेट में समझ में आ जाएगा आसानी से इसमें आप कौन सी रिंग एलिमेंट को आप सेकंड रिंग को पहले यहां पे सेकेंड uh, वाली रिंग को uh, करेंगे और इसके बाद अब फोर्थ वाली जो रिंग है उसको सेकेंड फोर्थ फिफ्थ और वो करेंगे तो आपके पास ये जो एक नंबर लिखा हुआ ना या वन ये तो कोई रिंग है ही नहीं रिंग तो पहले कौन सी बनेगी यहाँ पे फर्स्ट रिंग देखो कौन सी बनेगी फर्स्ट रिंग यहाँ पर बनी है ये देखिए मैंने यहाँ पर लिख लिया ये है फर्स्ट रिंग लेकिन फर्स्ट रिंग को यहाँ पे ब्लैक किया ही नहीं है तो कौन से नंबर के को किया है? ये देखिए सेकेंड रिंग को कर दिया फिर थर्ड को छोड़ दिया ये फोर्थ नंबर की हो गई फिर ये सिक्स नंबर की हो गई सो so, जो येलो वाले पार्ट है वो सेकंड नंबर की रिंग है फोर्थ नंबर की रिंग एलिमेंट है नंबर की रिंग है तो इसकी वजह से कौन से पीरियड जोन ट्रांसपेरेंट होंगे यही पीरियड ट्रांसपेरेंट होंगे तो so, ट्रांसपेरेंट कौन सा हुआ ये व्हाइट वाला जो है ये सेकंड हाफ पीरियड जोन है क्योंकि ये वाला होगा फर्स्ट हाफ पीरियड जोन तो पर ये तो ब्लॉक है सेकेंड वाला जाएगा आपका ये फोर्थ वाला जाएगा आपका ये सिक्स वाला जाएगा मैंने ब्लू कलर से जो लिखे हैं वो मैं हाफ पीरियड जोन का नोमिनक्लेचर कर रही हूँ और जो मैंने ब्लैक से लिखे हैं वो मैं रिंग एलिमेंट को नंबर दे रही हूँ सो रिंग एलिमेंट भी आपके पास सेकंड फोर्थ सिक्स को काला किया है ट्रांसपेरेंट कौन से हाफ पीरियड जोन हुए सेकेंड फोर्थ सिक्स सो आई होप दैट इज क्लियर टू यू अब आपको डेफिनेशन जो आप exam, बुक में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी सो दिस वॉज ऑल अबाउट जोन प्लेट अब हम इस जोन प्लेट में क्या करते हैं थोड़ी सी मैथमेटिक्स करते हैं सो so, हमारे पास में यहाँ पे ये हमने जोन प्लेट बना ली है और यहाँ पे हमने लाइट का सोर्स रख दिया है ठीक है ये यहाँ से सीधी लाइट जा रही है और वो आपके पास पहुंच रही है ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी पर ठीक है और आपके पास मान लीजिए हमें क्योंकि हमने सो फर्स्ट हाफ पीरियड जोन खुला हुआ है तो जो खुला हुआ पार्ट है मैं उसको ओपन रहने दे रही हूँ और जो ब्लॉकेज पार्ट है उसको मैं ब्लैक कलर से थोड़ा सा इस तरह से कर देती हूँ यहाँ से लाइट ब्लॉक हो गई मान लीजिए यहाँ से लाइट ब्लॉक कर दी हमने यहां से लाइट ब्लॉक कर दी ये मैं उसका परपेंडिकुलर मतलब स्क्रीन के परपेंडिकुलर रखी हुई प्लेट है ठीक है इसके ऊपर जा रही है सो so, अब यहाँ से हमारी लाइट जो है वो कहाँ कहाँ से जा रही है ये यह आपका यहाँ से देखो लाइट गई इस तरह से पी पॉइंट पे ये आपका एम वन का मतलब है फर्स्ट पीरियड जोन है ठीक है फिर सेकेंड वाला आपने ब्लॉक कर दिया है ना ये सेकेंड वाला जो है वो ब्लॉक कर दिया हमने ये वाला जो है एम टू वहां से लाइट नहीं पहुंच रही है आपके पास और आपके पास यहाँ पे फिर ये थर्ड से पहुंच गई इस तरह से या फिर नंबरिंग दे दो सबसे पहले बाद में कर लेंगे तो एक बार के लिए सिर्फ नंबर ही कर देते हैं अपन है ना नंबरिंग कर देते हैं मान लीजिए तो इस तरह से आपकी सबसे लास्ट में मान लीजिए यहां से आपकी लाइट पहुंची है और ये जो पॉइंट है वो आपका अभी हमने ऐसा नहीं किया है कि किस पार्ट को हम ब्लॉक कर रहे हैं किस पार्ट को नहीं कर रहे हैं सो आपका एमन यहाँ पे होगा और ये जो बाउंड्री होगी वो किसकी होगी एम एन माइनस वन की या, यानी कि जो एम एन माइनस वन वाला है वो बेसिकली आपके पास क्या है अः इस तरह से आ, लाइट यहां से रह जाएगी और यहां से इस तरह से पहुंच रही है ये ब्लैक वाले पार्ट जो है वो हमने ब्लॉक कर दिया आई होप दैट इज क्लियर तो एम एन आपके पास क्या है एम एन बेसिकली आपके पास क्या है अः बाउंड्री ऑफ ये लिखूंगी तो समझ में आ जाएगा बाउंड्री ऑफ एनथ हाफ पीरियड जोन जो एनवे नंबर वाला हाफ पीरियड जोन है उसकी सबसे बाउंड्री पे कौन सा पॉइंट है एम एन पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है एम एन माइनस वन आपके पास क्या है बाउंड्री ऑफ एन माइनस वन हाफ पीरियड जोन एन माइनस वन वाला जो कि ब्लॉक है उससे तो अगर हमें यहां पर क्या करना है पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना है किन किन पॉइंट्स के बीच में सो so, वो हमारा जो पाथ डिफरेंस है सबसे पहले आप एक वो कुछ डिस्टेंसेस हमें लेनी पड़ेगी सो so, यहाँ पे मैं ये डिस्टेंस मान लीजिए आपके पास ए है और ये डिस्टेंस आपके पास है बी ओके okay, तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि जो एस एम एन है एस एम एन है ये डिस्टेंस कितनी होगी एस से लेके एम एन पॉइंट तक की ओके okay? तो बिकॉज आपने यहाँ पे एम एन लिया है तो उसकी जो रेडियस है हमें पता है कि जो रेडियस होती है ये ओ पॉइंट है तो ओ एम एन जो है वो एनथ हाफ पीरियड जोन की रेडियस होगी तो वो कितनी होगी आर रूट एन इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी आपके पास आर रूट एन तो पाइथागोरस थ्योरम से एस एम एन की वैल्यू क्या हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस आर रूट एन का स्क्वायर ये हो जाएगी आपके पास ठीक है सो so, n आर स्क्वायर मैंने इसका स्क्वायर कर दिया यहाँ पे और ये इसका क्या लेना आपको वन बाय टू तो पाइथागोरस थ्योरम से मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है यहाँ से आप क्या करेंगे ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो ए स्क्वायर का हो के बाहर आएगा तो ए बच जाएगा और आपके पास ब्रैकेट में बचेगा और इसकी पावर सपोज हम A की वैल्यू बहुत लार्ज ले लेते हैं बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी तो ये टर्म काफी छोटा हो जाएगा सेकेंड वाला तो हम यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपांशन यूज करेंगे जो की होता है वन प्लस एक्स की पावर एन इज इक्वल टू वन प्लस एन एक्स एंड सोन हम केवल दो ही टर्म लिखेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है यहाँ से आपको ए एज इट इज लिया है मैंने N. N की वैल्यू क्या क्या है है और आपका ओके इस ए को अंदर ले जाइए तो हमारे पास यहाँ कितना बनेगा ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए प्लस और इस ए से ये ए कैंसिल आउट हो जाएगा एन आर स्क्वायर अपॉन टू सॉरी ये हमारे पास इसका स्क्वायर इस था क्या यहाँ पर हमारे पास ए स्क्वायर था ना हाँ सॉरी सॉरी जब आपने ए स्क्वायर कॉमन लिया है तो यहाँ ए स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा अंदर यहाँ पर भी ए स्क्वायर आएगा तो यहाँ पर ए बच जाएगा यह आपके पास हो गया एस एम एन सिमिलरली अगर हम यहाँ पे एम एन पी की वैल्यू निकालें तो अब MNP में क्या बनेगा आपके पास देखो MNP में ये रहा MN और ये रहा P मतलब ये डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करनी है सो तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर आर रूट एन और बेस इसका हो जाएगा B सेम कंसेप्ट लगा के आप करेंगे तो वो भी आपके पास आ जाएगा B प्लस एन आर स्क्वायर अपॉन टू बी ठीक है सो तो टोटल पाथ ट्रेवल कितना आ जाएगा एस एम एन प्लस मतलब उस पॉइंट से टकरा के जो लाइट पहुंचेगी वो टोटल पाथ कितना लेगी ए प्लस n इसको uh, सॉरी n r स्क्वायर बाय टू कॉमन आ जाएगा वन बाय ए प्लस वन बाय बी अब सिमिलरली n 1 मतलब जो uh, mn 1 है उस पॉइंट से जो रेट टकरा के पहुंचेगी कौन सी ये मतलब ये वाला जो mn 1 है ये कौन सा पॉइंट था आपका बाउंड्री ऑफ n 1 n 1 वाला जो हाफ uh, पीरियड जोन खत्म जहां पे हो रहा था तो ये लास्ट रे यानी जो खुला हुआ कटिबंध है आपका ये वाला ओपन जो हाफ पीरियड जोन है उसकी एक्सट्रीम बाउंड्री से एक रे ये पहुंचेगी और एक इस बाउंड्री से तो इस बाउंड्री वाली रे ने जो टोटल पाथ ट्रेवल किया वो हमने निकाल लिया अब नीचे वाली बाउंड्री से जो लाइट पहुंच रही है उसका पाथ हम निकाल रहे हैं सो वो आपके पास हो जाएगा एम एन माइनस वन और हो जाएगा एन माइनस वन पी तो जहां पे आपके पास एन आ रहा है वहां पे सिंपली क्या रखना है एन माइनस वन रखना है तो ए प्लस बी प्लस एन की जगह आ जाएगा एन माइनस वन आर स्क्वायर बाई टू और ये हो जाएगा आपके पास वन बाय ए प्लस वन बाई बी I that is clear. So, अब हम इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो डिफरेंस दिफ्रेंस डिफरेंस क्यों ले रहे हैं क्योंकि आपके पास ये पूरा ओपन पार्ट था इतना ओपन पार्ट था तो यहाँ से कोई रे पहुंची है इस पॉइंट पे और यहाँ से नीचे से कोई रे पहुंची है इस point पे. तो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है यहाँ पे इंटरफियरेंस uh, uh, जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा सो so, हम इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो डिफरेंस करेंगे तो इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे में से माइनस करेंगे तो माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा देखो इसमें से ये माइनस कर लो तो आपके पास कितना आ रहा है आ, ये पाथ डिफरेंस आ रहा है एस एम एन प्लस एम एन पी उल्टा कर दिया मैंने कोई बात नहीं है एस एम एन माइनस वन प्लस एम एन माइनस वन पी राइट साइड में आपके पास जो भी टर्म है उसको माइनस करोगे तो सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास सिर्फ ये टर्म बचेगा वन बाई टू आर स्क्वायर वन ओवर ए वन ओवर बी ओके और अब हम क्या करेंगे यहाँ पर अगर मान लीजिए हम ए एंड बी को इस तरह से एडजस्ट करें ओके अगर हम ए बी को इस तरह से एडजस्ट करें कि ये जो पाथ डिफरेंस हमें मिल रहा है ये किसके इक्वल हो जाए लेमडा बाय टू के इक्वल हो जाए तो इन दैट केस हमारे पास वो जो हमने हाफ पीरियड जोन बनाए हैं इस प्लेट पे ये सारे के सारे क्या होंगे फ्रेनल के हाफ पीरियड जोन हो जाएंगे क्योंकि फ्रेनल ने ही बोला था कि कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव कटिबंधों से या हाफ पीरियड जोन से जो रे पहुंचेगी पी पॉइंट पे उनके बीच में पाथ डिफरेंस कितने का होना चाहिए लेमडा तो पॉइंट लिया है एन माइनस वन वाले की बाउंड्री पे और एक आपने लिया है वे की बाउंड्री पे तो फ्रेनल के हाफ पीरियड जोन से इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस लेमडा बाय टू होना चाहिए लेकिन हमें वो पाथ डिफरेंस ये मिला है तो वो के डेफिनेशन से हमारे पास वन बाय टू आर स्क्वायर वन बाय ए प्लस वन बाय बी मस्ट बी इक्वल टू लेमडाई टू या फिर आप यहाँ से लिख सकते हैं सो so ये है आपके पास यहाँ पे साथ ही साथ अब जो आपको इंटेंसिटी मिलेगी वो किस तरह से मिलेगी आपके पास हमें हमने सेकेंड थर्ड वाले को तो ब्लॉक कर रखा है तो फर्स्ट वाले का पहुंचेगा सेकेंड वाले का पहुंचेगा और फिफ्थ वाले का अगर हम इसको कंपेयर करें नॉर्मल हाफ पीरियड जोन से तो आपने देखा होगा जब पूरे हाफ पीरियड जोन से सारी लाइट्स पहुंचती है तो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था पी पॉइंट पर हमें जो एम्पलीट्यूड मिलता है वो कितना होता है ई नॉट बाई टू होता है जब सारे खुले हुए होते हैं अब हमने सेकेंड फोर्थ सिक्स वाले को बंद कर दिया तो हमें एम्पलीट्यूड कितना मिल रहा है इतना मिल रहा है कैन यू इमेजिन ई नॉट वन बाई टू से ये कितना ज्यादा है सो इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है इस फॉर्मूले का कंपेरिजन अगर हम एक कॉन्वेक्स लेंस से करें कॉन्वेक्स लेंस इस तरह से होता है यहाँ पे सोर्स रखा होता है और सपोज यहाँ पे मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है और यहाँ पे उसकी इमेज बनती है हमने इस ऑब्जेक्ट पॉइंट को सोर्स रिप्लेस किया है इमेज को पी से सोर्स से लाइट जाती है और टकरा के पहुंचती है और हमारी जो प्लेट है जोन प्लेट है वो जोन प्लेट हमने यहीं रखी है और ये हमारा सोर्स था और ये हमारा पी था हमारे पास भी लाइट इस तरह से गई उस कटिबंध से इस तरह से पहुंची है सो so, दोनों को देखने में काफी सिमिलरिटी लग रही है फॉर्मूला इसका अगर हम इसका प्लेट का तो फॉर्मूला हमें ये मिला है और अगर लेंस के लिए फॉर्मूला लिखे तो हम जानते हैं वन बाई वी वाई क्योंकि ये डिस्टेंस आपके पास u होती है और ये डिस्टेंस आपके पास v होती है सो वन बाई वी प्लस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस के फॉर्मूला से होता है माइनस प्लस आप उस अकॉर्डिंग कर सकते हैं साइन कन्वेंशन के हिसाब से तो अगर दोनों कंपेयर करें तो u की बजाय जो डिस्टेंस हमने ली है वो कितनी ली है u राइट right? a तो ये जो वन बाय ए वाला पार्ट है ये तो काफी सिमिलर हो जाएगा किसके वन बाय के इसी तरह से यहाँ जो डिस्टेंस होती है वो बी होती है और हमारे पास वो डिस्टेंस लेंस में वी होती है तो जो वन बाई बी वाला पार्ट है वो किसको रिजेंबल कर रहा है, वन बाई वी को। सी बात है आप इसको कॉन्वेक्स लेंस से रिप्लेस करें तो उस लेंस की फोकल डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए आर स्क्वायर बाय लेमडा होनी चाहिए सो एग्जाम में प्रूव करने के लिए आ सकता है कि प्रूव कीजिए जोन प्लेट की जो फोकल लेंथ है वो आर स्क्वायर बाय लेंथ के कॉन्वेक्स uh, लेंथ के इक्वेलेंट होती है अब हमारे पास एक डिफरेंस है बहुत बड़ा कि प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं तो आपके पास उसका सिर्फ एक फोकस होता है है ना मतलब एक मतलब दोनों साइड में लेंगे तो दो फोकस हो जाएंगे पर फोकल डिस्टेंस सेम होती है सो तो इस इधर लें या उधर लें मतलब अगर यहां पे फोकस पॉइंट आप ले रहे हैं तो यहां से जाने वाले आगे जाके पैरल हो जाती है और ये डिस्टेंस फिक्स होती है तो सिर्फ एक सिंगल फोकल लेंथ आपके पास होती है जबकि जोन प्लेट में क्या है बहुत सारे फोकस पॉइंट आप बना सकते हो कैसे बना सकते हैं देखो जोन प्लेट में आपने क्या किया था कि आपको लाइट थी, यहाँ पर पहुंचानी थी और सोर्स आपने यहां पर लिया था और इस तरह के जोन को आपने ब्लैक पेंट किया था अब ब्लैक पेंट आपने क्या किया था ब्लैक पेंट आपने कुछ इस तरह से किया था कि फर्स्ट वाला अगर ओपन है तो सेकेंड वाला ब्लॉक होगा थर्ड वाला ओपन होगा फोर्थ वाला ब्लॉक होगा यानी कि आपने ब्लॉक सिर्फ एक हाफ पीरियड जोन को किया था और उस वजह से हम ये बात जानते हैं कि यहां से जो लाइट पहुंचती है और जो ब्लॉक हुई थी उन दोनों के बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो कितना होता है फ्रेनल में लेमडा बाई टू का होता है ये ब्लैक पेंट करते वक्त अगर हम कंडीशन ऐसी डाल दें कि हमने जो सिस्टम को ओपन रखा है उस ओपन एरिया में एक एक नहीं बल्कि दो दो हाफ पीरियड जोन आ जाएं दो दो हाफ पीरियड जोन आने का मतलब ये है कि अगर आपने प्लेट इस तरह से बनाई है अब समझना इसको बड़ा इंपॉर्टेंट है ये अगर आपने इस तरह से प्लेट बनाई है राइट और मैं यहां से ही लेती हूं ये वाला सोर्स और पी तो मैं ऊपर ऊपर ही बताऊंगी सिर्फ है ना तो सबसे पहले मुझे ओपन रखना है तो ओपन में मैं मानती हूँ कि ओपन के अंदर मेरा फर्स्ट हाफ पीरियड जोन भी आ गया और सेकंड भी आ गया दो मेरे ओपन हो गए तो अब मेरे दो ब्लॉक हो जाएंगे ध्यान रखना अब मेरा थर्ड वाला ब्लॉक होगा और मेरा फोर्थ वाला ब्लॉक होगा तो मैं इनको ब्लॉक कर देती हूँ फिफ्थ और सिक्स ओपन रहेंगे, रहेंगे तो रहें। पाथ डिफरेंस कितने का होगा हमने अभी, अभी अभी देखा था कि जब सिंगल सिंगल ओपन था तो पाथ डिफरेंस कितने का आ रहा था लेमडा बाई टू का हो रहा था लेकिन अब कितने का आएगा यहां से दोनों के बीच में लेमडा बाई टू का हो जाता है फर्स्ट एंड सेकेंड बीच में राइट तो अब जो आपके पास फर्स्ट और सेकंड है इसके बाद थर्ड और फोर्थ तो क्या कर दिया आपने ब्लॉक कर दिया जाहिर सी बात है तो अब आपके पास कहाँ से लाइट पहुंच रही है फिफ्थ और सिक्स से पहुंच रही है तो आप किसको कंपेयर करेंगे आप फर्स्ट और फिफ्थ के बीच में देख लीजिए या सेकेंड और सिक्स के बीच में देख लीजिए तो जब आप फर्स्ट से फर्स्ट की से जो लाइट पहुंच रही है सपोज फर्स्ट से जो लाइट पहुंच रही है फर्स्ट से सेकेंड में कितना डिफरेंस आ जाएगा आपके पास लेमडा बाई टू का हो जाएगा और ऐसी सिचुएशन में आपके पास अब जो पाथ डिफरेंस मान लीजिए वहां पे पहुंचेगा तो वो कैसा कैसा पहुंचेगा ये लेमडा बाई टू का था जब कब कब लेमडा बाई टू का था जब आप ब्लॉक कर रहे थे एक एक को राइट अब आप दो 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 को ब्लॉक कर रहे हो और दो दो को ओपन कर रहे हो तो ये जो पाथ डिफरेंस है वो भी कितना हो जाएगा डबल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा आपके पास टू लेमडा बाई टू सिमिलरली अगर आप ओपन एरिया में फर्स्ट सेकेंड थर्ड को रख देते हो और ब्लॉक में फोर फाइव सिक्स आ जाता है फिर ओपन में सेवन एट नाइन आ जाता है फिर ब्लॉक में टेन तो इलेवन डिफरेंस होगा वो कितने का आएगा थ्री लेमडा बाइट का मतलब मल्टीपल्स होते जाएंगे हम एग्जाम्पल लेते हैं अभी पहले वाले वाले का सिचुएशन अगर हमारे पास हुई तो पी पॉइंट पे हमें एम्पलीट्यूड क्या मिलेगा तो आप देख सकते हैं पी पॉइंट पे आपको फर्स्ट और सेकेंड ओपन है अगर ओपन है तो आपके पास लाइट कैसी पहुंचेगी ई नॉट वन माइनस ई नॉट टू माइनस क्यों आया क्योंकि फर्स्ट और सेकंड के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है लेमडा बाई टू का

अगला वाला भी कैंसिल आउट हो गया जीरो तो तो कंडीशन में आपको पी पॉइंट जो है वो डार्क दिखाई देगा क्योंकि वहां पर कोई लाइट पहुंच ही नहीं रही है लेकिन अगर आप तीन ले लेते हो तो आपके पास क्या होगा ई नोट वन माइनस ई नोट टू प्लस ई नोट थ्री ये तो पहुंचेंगे उसके बाद फोर फाइव सिक्स नहीं पहुंचना चाहिए तो आपके पास आएगा नेक्स्ट सेवन एट नाइन उसके बाद आपको अब इसमें क्या है अगर फर्स्ट और सेकेंड एक दूसरे को कैंसिल आउट भी कर देते हैं मान लीजिए ऑलमोस्ट कैंसिल आउट भी कर देते हैं तो आपके पास ये कितना आ जाएगा ई नोट थ्री की वजह से पहुंचेगा और अगर ऐसे नहीं जाते हो तो जो फाइनल में हमने कैलकुलेशन का मेथड यूज किया था वो हम कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं हम यहाँ पर लिखेंगे ई नोट टू को आप क्या लिख सकते हो जब भी मैंने बताया था कि कोई इवन नंबर हो उसके आगे पीछे कोई और नंबर हो तो इवन नंबर वाले को उसके आगे पीछे के नंबर के एवरेज के फॉर्म में लिखा जा सकता है जैसे कि टू को आप क्या लिख सकते हो वन प्लस थ्री बाई टू वन प्लस थ्री कितना होता है फोर फोर बाई टू कितना होता है टू ई नोट वन हम क्या लिखेंगे ई नोट वन प्लस ई नोट थ्री बाई टू तो ये सिचुएशन में आपको पास क्या मिलेगा यहाँ पे ई नोट वन माइनस ई नोट वन बाई टू माइनस ई नोट थ्री बाय टू ये मैंने ई नोट टू की जगह लिखा है और प्लस का ई नॉट थ्री जो है उसको आप एज इज रहने दीजिए ठीक है एक बार के लिए थ्री को एज इज रहने दीजिए सिमिलरली यहाँ पे क्या करना है ई नॉट सेवन को एज इज रहने दीजिए और एट को आप क्या लिखेंगे सेवन बाय टू नाइन बाय टू और इस नाइन को एज इज रहने दीजिए ओके okay? उसके बाद आपको क्या करना है इसको दो पार्ट में तोड़ लीजिए ई नॉट वन बाय टू प्लस ई नॉट वन बाय टू सिमिलरली आप यहां से इसको दो पार्ट में तोड़ लीजिए ई नॉट थ्री बाय टू ई नॉट थ्री बाय टू सेवन को ले ले लीजिए ई नॉट सेवन बाय टू ई नॉट सेवन बाय टू और नाइन को भी दो पार्ट में तोड़ लीजिए ई नॉट नाइन बाय टू होगा क्या ये ये से कैंसिल आउट हो जाएगा से 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 ये कैंसिल कैंसिल आउट हो हो जाएगा जाएगा तो भी आपके पास क्या बच रहा है इधर से बच रहा है ई नॉट थ्री बाई टू और विद पॉजिटिव साइन इधर से आपके पास बच रहा है ई नोट सेवन बाई टू विध पॉजिटिव साइन इधर से आपके पास क्या बच रहा है ई नोट नाइन बाई टू विथ पॉजिटिव साइन तो सबके अंदर से वन बाई टू कॉमन लेके ई नोट वन प्लस ई नोट थ्री प्लस ई नोट सेवन प्लस इ नॉट नाइन इन सोन सॉरी सोन तो इस तरह से अगर तीन ले रहे हो तो भी आपको पी पॉइंट पे बहुत अच्छी खासी इंटेंसिटी दिख रही है सो so, अब जब भी आप पी नहीं मुझे यहाँ पे आ, वो एन को रिप्रेजेंट कर हमने आ, जो पी है वो है नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन जो कि आप ब्लॉक कर रहे हो या फिर ओपन रख रहे हो तो आपके पास अगर वन रख रहे हो पी की वैल्यू तो पात्र डिफरेंस लेमडा बाई टू का आ रहा था और उसमें हमारे पी जो पी पॉइंट था वो क्या दिखाई दे रहा था ब्राइट दिखाई दे रहा था वहां पे फिर इसकी वैल्यू जब आपने टू ले ली थी तो हमारे पास टू लेमडाई टू आ रहा था और ये आपको क्या मिल रहा था डार्क मिल रहा था इसको थ्री लिया तो आपके पास थ्री बाई टू आ रहा 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 था 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 और वो आपको फिर से कैसा मिल रहा था? ब्राइट, ब्राइट मिल ब्राइट ठीक है तो हमारे पास सिचुएशन में क्या होता जाता है कि जो फोकल लेंथ है वो बदलती जाएगी वाई क्योंकि जो फोकल लेंथ थी वो हमने किससे कंपेयर की थी ऐसे सिचुएशन में आपके पास देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा वन बाय ए प्लस वन बाई बी वन बाई टू आर स्क्वायर था ना अब हमारे पास सिचुएशन क्या हो रही है ये फर्स्ट के केस में था अब आप इसको पी लेमडा बाई टू लिख लीजिए जहाँ पर पी की वैल्यू टू थ्री फोर फाइव कुछ भी आप ले सकते हैं टू वाला केस हमने पढ़ा है अभी थ्री वाला केस भी हमने अभी देख लिया है तो जो फोकल लेंथ है वो आपके पास कितनी हो गई

इमेज दिखने का मतलब है ब्राइट बनना इमेज नहीं दिखने का मतलब है डार्क हो जाना लाइट नहीं पहुंचना लाइट नहीं पहुंचेगी तो इमेज नहीं बनेगी ना इसलिए सो so कंडीशंस क्या है हमने देख लिया कि पी की वैल्यू जब हम वन ले रहे थे और थ्री ले रहे थे तो हमें पी पॉइंट ब्राइट मिल रहा था राइट तो जब आपके पास इसका ऑड नंबर होगा पी ऑड होगा तो आपको P point bright दिखेगा यानी कि वहां पर पी पॉइंट पे इमेज बन जाएगी और ऑड लेने के लिए हम पी को किससे कर देंगे टू एम माइनस वन और अब एम की वैल्यू हम वन टू थ्री कुछ भी ले लेंगे हर केस में ये ऑड नंबर ही मिलेगा और अगर पी का नंबर आपके पास इवन होता है तो हमें इमेज नहीं मिलेगी डार्क होगा उस कंडीशन में आप पी की वैल्यू टू एम कर दीजिए ठीक है सो so, अब इमेज बनने की कंडीशन क्या हो जाएगी इमेज बनने की कंडीशन हो जाएगी आर अपॉन टू एम वन और ये आपकी बुक में फॉर्मूला दिया हुआ है तो आप वहां पे देख लीजिए आपकी बुक में में कुछ जोन प्लेट और लेंस सिमिलैरिटीज दी हुई है और कुछ डिसिमिलैरिटीज दी हुई है पर वो थ्योरिटिकल है उसके सारे पॉइंट हमने इस डेरिवेशन में कवर कर लिए हैं तो वो आप बुक से पढ़ लीजिएगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इसमें फेज रिवर्सल जोन प्लेट फेज रिवर्सल जोन प्लेट ठीक है हिंदी में बोल देती हूँ मैं लिखूंगी नहीं कला विक्रमण जोन पट्टी का फेज रिवर्सल ये कहता है कि आपने जो प्लेट ली है इस तरह से और आ, मतलब आपका जो फ्रेनेल है उसके इस तरह से हाफ पीरियड जोन बन रखे हैं और आपने पी पॉइंट पे इंटेंसिटी अच्छी पाने के लिए ऑल्टरनेट हाफ पीरियड जोन की लाइट को ब्लॉक कर दिया एक के बाद एक को छोड़ के, एक को छोड़ के आपने ब्लॉक कर दिया ताकि पी पॉइंट पे जो सारी लाइट पहुंचे सबकी फेज सेम हो तो जो आपने ब्लॉक किया है वहां की लाइट एक तरह से वेस्ट हो गई अगर वहां की लाइट को ब्लॉक करने की बजाय हम उसी लाइट को वहां से जाने दें लेकिन उस लाइट में हम एक्स्ट्रा लैमडा बाई टू का पाथ डिफरेंस अगर क्रिएट कर दें तो हमें लाइट जो है वो और ज्यादा मिल जाएगी कहने का मतलब देखो ये है एग्जाम्पल समझना इसका है ना ये पहला हाफ पीरियड जोन था यहां से लाइट पहुंची इसके बाद ये सेकेंड हाफ पीरियड जोन था हमने इसको ब्लॉक कर लिया हमने इसको, इसको इसलिए ब्लॉक किया क्योंकि जो यहाँ से लाइट पहुंच रही थी इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस हो रहा था लेमडा बाई टू और लेमडा बाई टू की वजह से ई नोट वन माइनस ई नोट टू आ रहा था अगर ये जो सेकेंड वाला जोन है इससे जो लाइट पहुंच रही है इस लाइट के अंदर ही हम अगर एक्स्ट्रा लेमडा बाय टू का पाथ डिफरेंस और क्रिएट कर दें तो दोनों को टोटल होके कितना हो जाएगा लेमडा और ये माइनस किस में चेंज हो जाएगा प्लस में चेंज हो जाएगा ठीक है और थर्ड वाले को हम छेड़ेंगे नहीं क्योंकि थर्ड वाला वैसे ही प्लस में जा रहा था अब जो फोर्थ वाला हाफ पीरियड जोन है उस फोर्थ वाले से जो लाइट पहुंच रही है उसमें हम एक्स्ट्रा लेमडा बाई टू का पाथ डिफरेंस क्रिएट कर दें तो फोर्थ वाला भी क्या पहुंचेगा प्लस साइन के साथ में यानी कि जब हम कोई जोन प्लेट यूज नहीं कर रहे हैं सिंपल फ्रेनल हाफ पीरियड जोन ले रहे हैं तब लाइट ये पहुंचनी चाहिए ठीक है और जब हम ये है नो जोन प्लेट कोई जोन प्लेट हमने नहीं ली और जब हमने सिंपल सी नॉर्मल जो जोन प्लेट जो अभी पढ़ी है अगर हम वो ले लेते हैं राइट तो उससे क्या होता है ये सेकेंड फोर्थ और फिफ्थ को ब्लॉक कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा उस कंडीशन में लाइट हमें मिल रही थी वन वाला जा रहा था थ्री वाला जा रहा था फाइव वाला जा रहा था अगर हम फेज रिवर्सल यूज कर लें जो अभी पढ़ रहे हैं फेज रिवर्सल तो ये क्या करेगा ये वन और ये टू को भी प्लस कर रहा है थ्री तो पहले से ही प्लस था फोर को भी प्लस कर रहा है फाइव पहले से ही प्लस था अब आप देखिए तीनों में सिचुएशन में इस सिचुएशन का रेजल्टेंट हमने निकाला था तो ई नॉट वन बाय टू एम्पलीट्यूड आ रहा था लेकिन जब हमने जोन प्लेट लगा दी उसके आगे तो हमें इतना मिल रहा है जो कि इस पहले वाले से तो ज्यादा हो गया लेकिन जो लास्ट में हमें मिल रहा है वो इस सेकेंड वाले से भी बहुत ज्यादा मिल रहा है तो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी इस केस में मिलती है जब हम फेज रिवर्सल जोन प्लेट यूज कर लेते हैं लेकिन फेज रिवर्सल जोन प्लेट जो है वो बनाई कैसे जाएगी सो वो देखिए आपको समझना है उसका कंस्ट्रक्शन अच्छे से समझिएगा सबसे पहले हम क्या करेंगे एक ग्लास की प्लेट लेंगे ठीक है एक ग्लास प्लेट लेंगे उस पूरी के ऊपर ये मेरी ग्लास प्लेट है इस पूरी के ऊपर क्या करेंगे आप जिलेटिन जो होता है ठीक है इस पूरी प्लेट के ऊपर क्या होता है आप जिलेटिन एक केमिकल एलिमेंट होता केमिकल सब्सटेंस होता है रासायनिक पदार्थ होता है सो so, जो जिलेटिन की पूरी आ, लेयर चढ़ा दो इस पूरी ग्लास के ऊपर आपने क्या किया जिलेटिन की लेयर चढ़ा दी यहाँ पे ओके Sorry. तो हमने यहाँ पे क्या किया है जिलेटिन की लेयर चढ़ा दी है ध्यान रखिये पूरी प्लेट पे हमने चढ़ाई है पूरी प्लेट पे अब पूरी प्लेट पे जिलेटिन की लेयर चढ़ाने के बाद हमने इसको सुखा लिया आराम से ड्राई कर लो वो सूख गई पूरी परत इसके ऊपर अब आप क्या करो कि एक सोल्यूशन लो सोल्यूशन का मतलब इसमें लिक्विड भरा हुआ है कौन सा के टू सी आर टू ओ सेवन जिसको आप कहेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट पोटेशियम डाइक्रोट के डाइक्रोमेट का हमने एक लिक्विड uh, सोल्यूशन लिया है इस प्लेट को उठा के इसके अंदर डाल दो पूरा डुबा दो डुबा के आप क्या करो इसको थोड़ी देर इसमें रहने दो और और उसके बाद इस प्लेट को फिर से सुखा लो अब के सी और का काम क्या होगा देखो जिलेटिन की परत चढ़ाने का क्या होता है जिलेटिन की हम इतनी मोटी परत चढ़ाएंगे जो कि इस आ, इससे गुजरने वाली मतलब इस जब हम जिलेटिन आपने चढ़ाया था तो ध्यान रखिए ये नॉर्मल प्लेट है अगर यहाँ से कोई लाइट जा रही है तो वो सीधी गुजर जाएगी लेकिन जब आप इसके ऊपर जिलेटिन की लेयर चढ़ा देते हो तो जिलेटिन की लेयर से अब कोई लाइट होके जाएगी तो ये जो लाइट यहाँ से जब गुजरेगी जिलेटिन में से गुजरेगी तो इसकी इतनी मोटाई लेंगे कि उससे कितना पाथ डिफरेंस क्रिएट हो जाए लेमडा बाई टू का और मैंने आपको डिफ्रेक्शन में या इंटरफेरेंस में आपको ध्यान हो तो हमने थिन फिल्म का कंसेप्ट था और मैंने आपको बताया था कि थिन फिल्म की मोटाई हमें कितनी लेनी है मतलब कि उससे तो, तो यहां से जो लाइट इस जिलेटिन की परत को पार करके निकलेगी तो जैसे ही वो उसको पार करेगी उसमें कितना पाथ डिफरेंस आ जाएगा एक्स्ट्रा लेमडा बाई टू का आ जाएगा ये आप समझ जाइएगा ये थिन फिल्म के अंदर हमने पढ़ा था ओके okay? अब हमने जिलेटिन पर लेकिन हमें पूरी प्लेट पर नहीं चाहिए क्योंकि अगर पूरी प्लेट पर चढ़ा दिया तो वो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड सारे कटिबंधों में लेमना बाई टू क्रिएट कर देगी हमें सारे में नहीं चाहिए हमें फर्स्ट वाले में नहीं चाहिए सेकंड में चाहिए थर्ड में नहीं चाहिए फोर्थ में चाहिए तो हमने क्या किया इसको पोटेशियम डाइक्रोमेट में डाल दिया ये क्या करेगा ये इसको लाइट के प्रति सेंसिटिव बनाएगा लाइट के प्रति सेंसिटिव बनाने का मतलब क्या है अब वो समझते हैं आपने इसको इसमें डाला और सुखा लिया सुखा के बाहर निकाल लो तो अब सुखा के बाहर निकालने के बाद आपने क्या करना होता क्या है लाइट के लिए सेंसिटिव हो गई अब आप इस ग्लास की प्लेट के ऊपर रखो आपकी नॉर्मल जोन प्लेट ओके एक तो आपके पास इसका मतलब आपकी ये वाली जो है वो आपकी जिलेटिन वाली प्लेट है ठीक है जिलेटिन वाली प्लेट है और इसके जस्ट ऊपर आपने क्या रख दी है आपकी जोन प्लेट रख दी है जोन प्लेट रख दी है ओके अब आपके पास यहां से लाइट डाल ली इस बार सोर्स इधर रख रही हूं मैं क्योंकि मैंने उल्टा बना दिया मैंने मैं, मैं जिलेटिन इधर बना देती तो ज्यादा सही रहता खैर जो जोन प्लेट आपके पास यहां पे है अब जोन प्लेट नॉर्मली आपके पास क्या होती है ये देखो सपोज ये आपका फर्स्ट हाफ पीरियड जोन है ये आपका सेकेंड वाला है जो मैंने ब्लॉक कर दिया फिर ये आपका थर्ड वाला खुला हुआ है और ये आपका फिर फोर्थ वाला ब्लॉक कर दिया मान लीजिए है ना ये ब्लॉक नहीं है यहाँ पे आपके पास क्या है ये काला पेंट किया हुआ है तो एक तरह से लाइट को ब्लॉक करेगा और ये हमने फिफ्थ वाले को ओपन छोड़ा हुआ है ये नंबर वाला ब्लॉक हो गया अब आप समझना सोर्स से लाइट गई तो हमें पता है काले रंग का जहां पर पेंट होता है वहां से लाइट जाती नहीं है तो जब आप यहाँ पर देखोगे तो आपके ये जो जिलेटिन वाली वो ले वो लाइट है वो क्या होगा कि जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है अब मैं जिलेटिन को ब्लैक कलर से थोड़ा सा मेरे को कलर भूसा लेना चाहिए यहाँ पे तो ये देखो मैं ब्लू कलर लेती हूँ देखो जब सोर्स से लाइट निकलेगी तो ये खुला वाला पार्ट जो है वहां से तो लाइट जिलेटिन के ऊपर पहुंच जाएगी ओके और जो ब्लॉक वाला हिस्सा है वहां पे लाइट नहीं पहुंचेगी तो यहाँ पे लाइट पहुंच गई फिर यहां लाइट नहीं पहुंची यहां पर लाइट पहुंच गई यहां लाइट नहीं पहुंची और यहाँ पे लाइट पहुंच गई ओके ब्लू कलर वाला हिस्सा वो है जहां से लाइट जो है वो जिलेटिन की परत के ऊपर जा चुकी है अब आपको क्या करना है यहां से वापस आपकी जोन प्लेट को हटा लीजिए जोन प्लेट को हटा लो केवल जिलेटिन वाली जो प्लेट है उसको बाहर निकालो अब होगा क्या एक्चुअल में लाइट लाइट जो है यहां से सोर्स से निकल के जिलेटिन के जिस जिस हिस्से पे लाइट पहुंची है कौन कौन से हिस्से पे पहुंची है फर्स्ट हाफ पीरियड जोन जितनी मोटाई तक पहुंची है क्योंकि जिलेटिन तो हमारी पूरी परत है उस उसपे फ्रेनल के पीरियड जोन बनाए हुए ही नहीं है लेकिन जोन प्लेट आगे रखने की वजह से जितना पार्ट पहले हाफ पीरियड जोन में आता है उतने ही पार्ट में लाइट पहुंची है सेकेंड में लाइट नहीं पहुंची है थर्ड में लाइट पहुंच गई है फोर्थ में लाइट नहीं पहुंची है फिफ्थ में लाइट पहुंच गई है जहां पर लाइट पहुंच जाती है वहां का जिलेटिन हार्ड हो जाता है ध्यान रहे जहां पर लाइट पहुंच गई है ये लाइट पहुंच गई है क्योंकि मैंने कहा था क्या करेगा लाइट के लिए इसको सेंसिटिव बना देता है तो जहां पर लाइट पहुंची है वो पार्ट हार्ड हो जाता है इतना हार्ड कि वो पानी में सोल्व ही नहीं होता मतलब डिजोल्व ही नहीं होता ठीक है इनसॉल्यूबल हो जाता है ये इनसॉल्यूबल पानी में घुलेगा ही नहीं हिंदी में आप कह सकते हैं इसको एघुलनशील हो गया यहाँ का और जहां लाइट नहीं पहुंची है कहां कहां नहीं पहुंची सेकेंड हाफ पीरियड में जोन में नहीं पहुंची फोर्थ वाला हिस्सा रुक गया था सिक्स यहाँ का जिलेटिन अभी भी एक तरह से समझ लेना सूखा हुआ तो है लेकिन अभी भी वो हार्ड नहीं हुआ है क्योंकि लाइट वहां नहीं पहुंची है अब आप इस जोन प्लेट को हटा दीजिए और जिलेटिन की परत को वापस रखिए यहाँ पे ठीक है अब जो जिलेटिन की परत आपके पास है उसमें कुछ कटिबंध यानी कि कुछ का मतलब है ऑड नंबर वाले ऑड का मतलब वन थ्री फाइव वन थ्री फाइव वाले कैसे हैं हार्ड है पानी में नहीं घुलेंगे तो अब आपको इस प्लेट को डालना है पानी के अंदर ओके अब आप इसको डालेंगे पानी में तो पानी में क्या होगा फर्स्ट थर्ड फिफ्थ वाला पार्ट तो हार्ड हो गया जिलेटिन का तो वो जिलेटिन उतरेगा ही नहीं और सेकेंड फोर्थ और सिक्स जो हाफ पीरियड जोन थे उनमें जो जिलेटिन चढ़ाया हुआ था वो क्योंकि जोन प्लेट हट चुकी है अब जोन प्लेट हट चुकी है अब अब जिलेटिन जिलेटिन की बात करेंगे, अब जिलेटिन की बात बात करेंगे करेंगे तो जिलेटिन में आपने क्या किया जो फर्स्ट वाला है अब मैं रेड कलर से कर रही हूँ ये फर्स्ट वाला हाँ, आपके पास क्या है फर्स्ट वाला फर्स्ट वाले पर लाइट पहुंची थी तो ये अघुलनशील है मतलब की ये हार्ड हो गया पानी में नहीं घुलेगा यहाँ वाला पानी में नहीं घुलेगा यहाँ वाला पानी में नहीं घुलेगा तो मैंने जो रेड हिस्सा बनाया है ये जिलेटिन उतरेगा नहीं और पानी के अंदर जो मैंने ये खाली पार्ट छोड़ रखा है ये पानी में डिजोल्व हो जाएगा सो so, आपके पास जब आप इसको पानी में डुबो के बाहर निकालोगे जिलेटिन वाली प्लेट को तो आपके पास इसके ऊपर बिल्कुल फ्रेनेल के हाफ पीरियड जोन जैसा पैटर्न दिखेगा लेकिन वो पैटर्न किसका बना हुआ होगा जिलेटिन की लेयर का बना हुआ होगा जिससे होगा क्या सो मैं एक बार देख लेती हूँ हमें कहाँ से लाइट मिलेगी अब सॉरी आपके पास ये डिजोल्व हो गया यहाँ का हिस्सा डिजोल्व हो गया डिजोल्व होने का मतलब है ये जो सेकेंड हाफ पीरियड जोन था वहां से जो लाइट पहुंच रही थी आपके पास वो जो लाइट पहुंच रही थी वो अभी आपके पास बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जिलेटिन ही उतर गया तो यहाँ तो आपके पास नॉर्मल ग्लास हो गया नॉर्मल ग्लास हो गया और उसके अगले वाले में आपके पास क्या है जिलेटिन का लेयर है मतलब आपके पास अब ऐसी प्लेट है अब ऐसी प्लेट है जो अब यहां बनाती हूं है ना ऐसे बनाया वैसे तो प्लेट है एक तरह से अब ऐसी प्लेट है एक तरह से आपके पास थोड़ा सा उल्टा भी समझ सकते हैं इसको अब ऐसी प्लेट है आपके पास कि यहां से तो मान लीजिए पहुंच रही है नॉर्मल लाइट और यहाँ से जो लाइट पहुंचेगी वो जिलेटिन की लेयर को क्रॉस करके आएगी यहाँ से जो लाइट आएगी वो फिर से नॉर्मल आएगी और यहाँ से जो लाइट पहुंचेगी फिर से जिलेटिन को क्रॉस करके पहुंचेगी क्योंकि ब्लैक तो हमारे पास कुछ है ही नहीं ब्लैक पेंट तो किस पे होता है जोन प्लेट पे होता है और जोन प्लेट हम यूज ही नहीं कर रहे हैं हमने तो डायरेक्ट जिलेटिन की प्लेट ली थी यानी कि ओनली क्लास कांच की प्लेट ली थी और पूरी पे जिलेटिन चढ़ा दिया था और उसी के अंदर हमने जिलेटिन के को काट लिया है एक तरह से फ्रेनल के हाफ पीरियड जोन में तो आपके पास ब्लैक पेंट तो कहीं पे है ही नहीं तो लाइट तो कहीं से भी नहीं रुकेगी और यहां से आपके पास फिर से जा रही है नॉर्मल लाइट ठीक है अब देखो पी पॉइंट अगर आपने यहां लिया है तो नॉर्मल लाइट जो है वो तो सीधी पहुंच रही है

कहीं पे ब्लॉक नहीं हुई है सारी की सारी लाइट सेम फेज में पहुंची है सो दिस वॉज ऑल अबाउट जोन प्लेट थैंक यू सो मच एवरी